मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेक्टर पासिंग टीजीटी साइंस। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, क्लास 10, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है वो कितने प्रकार की होती है। आज हम इनमें से टू टाइप्स की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसे कि वर्ड्स लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, इसी वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन किस वर्ड से बना है, कंबाइन से। इन कंबाइन से जुड़ना, जुड़ना आपस में, ऐड होना, जुड़ना, कॉम्बिनेशन। इट मींस अ रिएक्शन, डेफिनेशन देखिए तो, अ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन है ये, अ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, तब फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मींस जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, वो भी कैसा, सिंगल प्रोडक्ट हो, तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो आपकी डेफिनेशन। अब एग्जांपल तो आप समझिए इसे, फॉर एग्जांपल CaO प्लस H2O इज इक्वल टू COH का होल पावर। CaO मींस क्विक लाइम, इसमें चूना कह सकते हैं इसे। किस फॉर्म में है, फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, सॉलिड है। क्या एडिंग है, H2O। H2O क्या वाटर है, इस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में है। प्रोडक्ट क्या बना, CaOH का होल पावर, जिसे स्लैक लाइन कहते हैं, इसे पुताई करने के काम भी भी आता है। देखिए हम CaO क्विक लाइन होता है, ठंडा होता है। जैसे ही हम चूने में इतनी क्विक लाइन में धीरे धीरे स्लोली स्लोली वाटर को ऐड करते हैं, तो जैसे ही शायद धीरे धीरे स्लोली स्लोली वाटर को ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड होने के साथ साथ में उसमें से क्या निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बड़ी मात्रा में हीट निकलती है। जैसे इस तरह से और समझ सकते हैं अच्छे से, मान लीजिए एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या डाल रखा है, क्विक लाइम डाल रखा है, और धीरे धीरे इसमें क्या डाल रखा है, वाटर। जैसे जैसे इस बीकर में वाटर ऐड करेंगे, तो उसमें से बुलबुले टाइप के निकलते हैं और ऊपर की साइड में क्या निकलेगी, हीट निकलती है। इन सब हीट की बुलबुले टाइप के निकलती है, और अगर इस स्पीकर को टच करेंगे तो कैसा महसूस होता है, हीटेड, हमें हीटेड महसूस होता है। अगर हम एक बीकर लें, उस बीकर में क्विक लाइम लें और उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने पर हमें बीकर हीटेड महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे COH कहते हैं, क्विक स्लैक लाइन के नाम से जाना। इस प्रकार की रिएक्शन होती है, वो सभी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू रिएक्टेंट्स मिलकर के एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें हीट भी रिलीज होती है, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर अदर एग्जांपल देखें, तो दूसरा एग्जांपल देखिए, सी मींस कार्बन, कार्बन इज कोयला। अगर हम कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बनेगा, CO2, मींस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होगी। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे आप ठंड के समय में जाड़ों के दिनों में कोयले की अंगीठी लेते हैं, और कोयले की अंगीठी में हम कोयले को बर्न करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमोस्फेयर में, तो आफ्टर बर्निंग कोल, जब कोयला जलता है, तो जलने पर क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, जिससे हम हाथों को सेकते हैं ठंड में। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दो एग्जांपल आपके हुए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों एग्जांपल में आपने देखा क्या, कि टू रिएक्टेंट्स मिलके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हीट भी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि सबसे पता रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डी
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे इस वर्ड से पता लगा है डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना, डिकम्पोज होना। कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर ब्रेक डाउन होगा मोर टू या मोर देन टू प्रोडक्ट में, उस प्रकार रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि वर्ड से पता लगा डिकम्पोज होना, जैसे आफ्टर डेथ कोई प्लांट या एनिमल है जब उसको हम अर्थ के अंदर दफना देते हैं मिट्टी में तो डिकम्पोज होगा की बॉडी, इसी तरह से इस रिएक्शन में समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। इट मींस इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या देता है अ सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं जैसे F2Fe2O4 फेरस सल्फेट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। जैसे हम इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि गैस SO2 और SO3 एक गैस के फॉर्म में निकल जाती है। एग्जांपल है आपका किसका, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जांपल है डीकंपोजिशन रिएक्शन CaCO3, क्या है लाइमस्टोन है, किस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में, जब हम इसे हीट करेंगे तो आपका हीटिंग क्या मिलेगा हमें CaO क्विक लाइम इस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में, और क्या मिलेगा प्लस CO2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट वन 2AgCl, क्या होगी 2AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, अगर आप ओपनली इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, ओपनली सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे 2AgCl2 तो क्या बनेगा हमें 2Ag सिल्वर में इस फॉर्म में सॉलिड में और प्लस Cl2 और क्लोरीन गैस। ये सभी एग्जांपल फॉर सेकंड थर्ड इसके हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज हो रहे हैं यहां पर, देखिए यहां पर फेरस सल्फेट डीकंपोज हो रहा है, यहां पर CaCO3 लाइमस्टोन डीकंपोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, यहां पर CaCl ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। ये सभी एग्जांपल डीकंपोजिशन रिएक्शन के हैं और इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और नेचर में बहुत सारी रिएक्शन इस तरह की घटती रहती है डीकंपोजिशन रिएक्शन की। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।